Good morning, my dear friends, dear students. Today I'm going to start a chapter, and the name of the chapter is The Tiger King. And this is the very first chapter of a Panorama book. And this chapter, The Tiger King, has been written by R. Krishnamurti. And his name, pen name is Kalki. Unka pen name kya hai? Kalki hai. And what he says, that power corrupts. हम लोगों को पावर क्या करती है, करप्ट करती है. वो क्या है, ऑटोक्रेटिक एब्सोल्यूट पावर क्या होती है, करप्ट करती है, एब्सोल्युटली करप्ट कर देती है. हम लोगों को बहुत ज़्यादा करप्ट बना देती है. लेकिन और जब हम क्या हैं, एसेंट्रिक हो जाते हैं, अनकॉमन हो जाते हैं, तो वो भी चीज़ें क्या होती है, मैड हो जाते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, और भी ज़्यादा पागलों की तरह क्या करते हैं, फैसले लेने लगते हैं. नाउ द टाइगर किंग, दिस ट्रेडिशन was started by the Mughal Emperor Akbar. Akbar ने क्या किया था, बहुत सारे हेयर टाइगर्स को मारा था, और टाइगर के स्किन को वो क्या करता था, उखाड़ देता था, और उसके बाद वो दीवार के ऊपर लटका देता था, जिससे दीवार की क्या हो सके, शोभा बढ़ सके. फिर राजपूत किंग्स आए, उन्होंने भी शिकार किया, और फिर क्या है, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी क्या किया, शिकार किया. एंड दैट्स वाई द टाइगर पॉपुलेशन हैज बिकम एक्सटिंक्ट. टाइगर पॉपुलेशन क्या हो गया, खत्म होने के कगार पर आ गया है. एट द ब्रिंक ऑफ द एक्सटिंक्शन आ गया है, मतलब खत्म होने के कगार पर आ गया है. द स्टोरी टेल्स अस दैट इट टेल्स अस अबाउट द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम. एंड नाउ द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम मे बी आइडेंटिफाइड का मतलब होता है नोन एज हिज हाइनेस जमेदार जनरल जनरल खिलेदार मेजर सत्यव्याघ्र समाहारी महाराज धीराज विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर. एंड लेकिन उनका नाम को क्या किया गया था, एब्रिविएट कर दिया गया था, यानी शॉर्टन कर दिया गया था, और उसका नाम क्या हो गया था, टाइगर किंग डाल दिया गया था. कल्कि जो उसके ऑथर हैं वो कहते हैं कि मैं आपको इसको वर्ड टू वर्ड स्टोरी को क्या करूँगा, सुनाऊंगा. अगर मेरे को स्टुका बम्बर्स, ये देखिए, ये जो शिप, जो जहाज है, ये फाइटर प्लेन है, जो जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या किया था, यूज़ किया था, और ये क्या था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था. और उसके बाद अगर स्टुका बम्बर्स मेरे को क्या करते हैं, ठेट करते हैं, धमकी देते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो क्या करें, स्टोरी को नहीं सुने. लेकिन मैं अचानक इस स्टोरी को खत्म नहीं करूंगा, ये कौन कह रहा है, कल्कि कह रहा है. लेकिन और वो चाहते हैं कि वो क्या करें, स्टुका बम्बर जल्दी जल्दी जाना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, हेस्टी रिट्रीट ले सकते हैं, यानी कि मूव बैक क्विकली कर सकते हैं, जल्दी से वापस जा सकते हैं. लेकिन हेयर आई वॉन्टेड टू नरेट द स्टोरी ऑफ द टाइगर किंग फ्रॉम द बिगिनिंग. नाउ व्हाट ही सेज that everyone who is going to listen about the Tiger King, his utmost desire, उसका क्या है, utmost desire होगा, इच्छा होगी हम ऐसे indomitable courage के आदमी को मिलें, यानी कि इतने ज़्यादा जो extremely powerful आदमी था उससे जा करके मिलें. लेकिन it is not possible, ये क्या है, possible नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से भरत जी ने राम जी को जा करके चित्रकूट में बताया था कि अब दशरथ जी नहीं रहे, यानी दशरथ जी क्या हो गए, पास अवे हो गए, यानी वो स्वर्गवासी हो गए. इसी तरीके से वो टाइगर किंग भी क्या हो गया है, जंग जंग बहादुर भी क्या हो चुका है, मर चुका है, यानी फाइनल अबोर्ड तक पहुंच चुका है. इसका मतलब उसने इतने सारे पाप किए थे, बहुत सारे टाइगर्स को मारे थे, बहुत सारे ज्यादा प्रजा को, अपने सब्जेक्ट को टॉर्चर किया था. सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर विषय नहीं, बल्कि सब्जेक्ट को टॉर्चर किया, प्रजा को टॉर्चर किया था, टॉर्मेंट किया था. एंड दैट्स व्हाई इट का वो कहाँ जा सकता है, नर्क में भी जा सकता है. कुछ उसने अच्छे काम नहीं किए थे, उसने कोई भलाई का कार्य नहीं किया था. एंड नाउ व्हाट ही सेज, जब उसका जन्म हुआ, यानी कि जब प्रिंस का जन्म हुआ, जंग जंग बहादुर का हेयर जन्म हुआ, तो महाराजा जो प्रेजेंट उस समय के महाराजा थे, उन्होंने बुलाया, किसको बुलाया, एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया. एस्ट्रोलॉजर्स जो भविष्य वक्ता होते हैं उनको बुलाया, यानी जो प्रोफेसी करने वाले होते हैं उनको बुलाया, और उसके उन्होंने नक्षत्र को दिखाया. लेकिन जब उन्होंने एस्ट्रोलॉजर्स ने पढ़ा, उनके राशि को देख करके कुछ पढ़ा, तो वो कहते हैं कि the prince will become the warrior of the warriors, यानी वो योद्धाओं का योद्धा होगा, यानी बाहुबली होगा, hero of the heroes,
ये हीरो का भी हीरो होगा, चैंपियन ऑफ द चैंपियंस भी होगा, लेकिन सडनली दे बिट देयर लिप्स लाइक दैट. इस तरीके से उन्होंने क्या कर लिया, अपने लिप्स को क्लोज कर लिया. दे वॉन्टेड टू से समथिंग मोर, वो कुछ और भी कहना चाहते हैं, लेकिन जब महाराजा ने प्रेजेंट, उस वक्त का जो प्रेजेंट महाराजा था यानी कि जंग जंग बहादुर के जो पिताश्री थे, उन्होंने जब उनको फोर्स किया, एस्ट्रोलॉजर्स को फोर्स किया कि बताओ क्या बात है, मैं यहाँ आप लोगों को मृत्युदंड नहीं दूंगा, बेधड़क बताओ कि क्या बात है. तब उन्होंने बोला, एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि हे इट्स नॉट अ मैटर फॉर टू रिवील, ये क्या है, इसको रिवील नहीं किया जा सकता, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी भी हमें क्या किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अगर फोर्स किया जा रहा है तो जिस नक्षत्र में, जिस स्टार में उसने जन्म लिया है, यानी टाइगर किंग ने जन्म लिया है, यानी जंग जंग बहादुर ने जन्म लिया है, तो उसको एक दिन क्या करना पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा. देन सडनली स्क्वीकी वॉइस, स्क्वीकी क्या मतलब होता है, चिपिंग वॉइस, वो क्या हो जाता है, वहां पर एमर्ज हो जाता है. 10 दिन का बच्चा क्या होता है, बोल पड़ता है, हे वाइज एस्ट्रोलॉजर्स, वाइज एस्ट्रोलॉजर, नाउ दे वर स्टैंड स्टिल, वो क्या हो जाते हैं, वो जहां के तहां ही खड़े हो जाते हैं, यानी स्टिल पोजिशन में खड़े हो जाते हैं, स्टिफ पोजिशन में खड़े हो जाते हैं, एंड दे आर वेरी सरप्राइज, क्योंकि एक 10 दिन का क्या है, जन्मा बच्चा वो क्या कर रहा है, बोल रहा है, और इसको देख करके, ये श्री राम ने भी नहीं बोला था 10 दिन में, कृष्ण ने भी नहीं बोला था, गौतम बुद्धा ने भी 10 दिन, लेकिन ये तो क्या था, प्रोडिगल चाइल्ड था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड था. और वो जब क्या हो, एस्ट्रोलॉजर ने देखा कि now the child says, the 10 days old child says, hey astrologers, ये मैं हूं जो क्या है बोला हूं. And then it was no, अब क्या है, doubt का कोई ground नहीं रहा, अब कोई शक की गुंजाइश नहीं थी. तो उन्होंने सोचा कि ये क्या है, ये कैसे बोल पड़ा. तो वो बोलता है कि मैं जानता हूं कि जो जिसका जन्म हुआ है वो, उसको एक दिन क्या होगा, मरना तो पड़ेगा, लेकिन मेरी डेथ किस तरीके से होगी. नाउ द चीफ एस्ट्रोलॉजर केप्ट हिज फिंगर्स ऑन हिज नोज, अपने फिंगर्स को क्या करता है, नोज पर रखता है, अपने चश्मे को उतारता है, और चश्मे को उतार करके फिर वो चश्मे को चढ़ाता है, और फिर वो कहता, उसको अच्छी तरीके से राजकुमार को देखता है, मतलब प्रेजेंट जो महाराजा थे, और वो क्या है, जंग जंग बहादुर को देखता है, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ देखता है, और फिर वो क्या हो जाता है, अब श्योर हो जाता है कि इसी बच्चे ने बोला है. तो उन्हें, उसने पूछा कि किस तरीके से मेरी डेथ होगी. तो एस्ट्रोलॉजर ने, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से वॉर ऑफिस क्या करते थे, वहाँ पर ब्रिटिशर्स के क्या लगाया रहता था, वॉर ऑफिस भी हुआ करते थे, वहाँ से बुलेटिन इश्यूज की जाती थी, फैक्ट इश्यू नहीं किया जाता. कभी उन्होंने अगर क्या किया होगा, 10 को मारा होगा, तो वो क्या करते थे, 20 को गिनवाते थे, और इसी तरीके से केवल फैक्ट्स के बारे में जानकारी देते हैं, आइडियाज के बारे में जानकारी नहीं देते थे. तो उन्होंने बोला, एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि ये, उन्होंने समझा कि ये क्या हो रहा है, ये तो क्या है, केवल बोल ही नहीं रहा है, बल्कि इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी पूछ रहा है, इसका जन्म और मरण के बारे में भी क्या है, बात पता चल गई है. तब वो कहते हैं कि आपका बुल आर में जन्म हुआ है, यानी बुल आर, और बुल और द टाइगर्स आर द एनिमीज, बुल और टाइगर क्या होते हैं, एनिमीज होते हैं, इसलिए उसका डेथ किसके माध्यम से होगा, टाइगर के माध्यम से ही होगा. तभी आप सोचेंगे कि टाइगर वर्ड्स को सुन करके, टाइगर वर्ड को सुन करके प्रिंस क्या हो गया, डर के कांपने लगा, शिवर करने लगा, ट्रेमलिंग करने लगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. वो क्या करता है, लेट्स बी अवेयर ऑफ द टाइगर्स, तो सारे के सारे टाइगर्स क्या हो जाए, सावधान हो जाए, मैं टाइगरों को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, यानी बाघों को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा. और दिस इज द रूमर राइफ, ये क्या हो गया, अफवाहें फैल गई कोने कोने में, प्रतिबंधपुरम के कोने कोने में अफवाह फैल गई कि ये क्या है, इसको रिकंसिडरेशन का साधन हो गया. हिंडसाइट का मतलब होता है रिकंसिडरेशन का माध्यम बन गया, कि इसके ऊपर क्या किया जाए, पुनर्विचार किया जाए. आफ्टर दैट पार्ट सेकंड स्टार्ट्स. नाउ सिंस इट वाज द रेन ऑफ, ये रेन का मतलब यहां पर बारिश नहीं, REIGN का मतलब होता है, दैट इज शासन किसका था, ब्रिटिशर्स का था, इसलिए उसने जो
प्रिंस था, राजकुमार था, यानी जंग जंग बहादुर थे, उन्होंने केवल इंग्लिश काउ का ही मिल्क पिया, यानी अंग्रेजों के जहाँ ब्रिटिशर्स के लिए क्या हुआ करता था, दूध आया करता था, उन्हीं गायों का दूध पिया, और फिर ही बिकेम टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, टॉल होते गए, स्ट्रॉन्गर होते गए डे बाई डे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मिल्क किसका पिया, केवल इंग्लिश गायों का मिल्क पिया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो कुछ भी नहीं देखते थे बल्कि केवल इंग्लिश मूवीज ही देखा करते थे। इसका मतलब टर्मिनेटर देखा करते थे, इसका मतलब पता नहीं वो जो जंगल स्टोरीज वगैरह लाइक दैट देखा करते थे, यानी इट माइट ऑल्सो बी पॉसिबल कि वो टाइटेनिक भी देखा करते थे, और हेयर और उनको क्या है, इंग्लिश ढाई ने उनको क्या किया था, पालन पोषण किया था, जिस तरीके से पन्ना धाय क्या करती हैं, उदय सिंह की देखभाल करती हैं, पन्ना धाय ने अपने ही बेटे को क्या कर दिया था, मुगलों के हवाले कर दिया था, और उन्होंने उदय सिंह को क्या कर दिया था, बचा लिया था, और उसके बाद वो उसको क्या करती है, इंग्लिश नैनी ही देखभाल करती है, ध्याय माँ क्या करती है, देखभाल करती है। और हेयर जब वो 20 साल का हुआ तो वो क्या हो गया, अभी भी ये जो ब्रिटिशर्स, अब उनके फादर का क्या हो चुका था, देहांत हो चुका था, किसके फादर का, जंग बहादुर के फादर का देहांत हो चुका था, वो स्वर्गवासी हो चुके थे, इसलिए अब क्या है, 20 साल के जब हो गए तो उनके हाथों में किंगडम आ गई। लेकिन जैसे ही उनके हाथों में किंगडम आए तो लोग अभी भी जानते थे कि किस तरीके से चीफ एस्ट्रोलॉजर ने, चीफ भविष्यवक्ता ने क्या किया है, उनको हेयर भविष्यवाणी की है कि इस जंग बहादुर का डेथ किसके माध्यम से होगा, टाइगर के माध्यम से ही हुआ। और धीरे धीरे स्लोली इट रीच इन टू द ईयर्स ऑफ महाराजा जंग बहादुर, धीरे धीरे महाराजा के कानों में भी बात पहुंची, क्योंकि वो अफवाहें फैल गई थी। और उसके बाद हियर व्हाट इट सेज नाउ, एट वंस उन्होंने सोचा कि एक हम क्या करते हैं, गाय को मार देते हैं, सेल्फ डिफेंस में, अपने आत्म सुरक्षा में गाय को मार देते हैं तो ये क्या होता है, पाप नहीं होता है, मैं तो क्या कर रहा हूँ, एक बीस को मार रहा हूँ, खूंखार एनिमल को मार रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जो खूंखार जानवर है उसको मार रहा हूँ, तो इसमें कोई पाप नहीं होगा क्योंकि मैं सेल्फ डिफेंस में मार रहा हूँ। और तुरंत वो अपने सैनिकों के साथ गए, अपने सेनापति के साथ गए, और उन्होंने फर्स्ट टाइगर को मार दिया। आफ्टर दैट वॉच फर्स्ट टाइगर को जैसे ही मारते हैं तो वो क्या करते हैं, फर्स्ट टाइगर को मार करके उस एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं, चीफ एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं, और उस तरीके से वो उसको दिखाते हैं, टाइगर को दिखाते हैं, देख मैंने तो क्या कर दिया, टाइगर को मार दिया, व्हाट डू यू वांट टू से। अब क्या बोलता है, महाराज इन दिस वे यू मस्ट हैव टू किल 99 मोर टाइगर्स, अब भी आपको क्या करना है, 99 टाइगर्स को मारने की जरूरत है। बट अगेन द एस्ट्रोलॉजर बिट हिज लिप, बोलो मैं प्राण नहीं लूंगा। तो कहता है कि महाराज जब आप 100वें टाइगर को मारिएगा तो बहुत ज्यादा क्या कीजिएगा, ये सावधान रहिएगा। जब वो ना जैसे ही वो तो अगर मैं 100वें टाइगर को मार दूंगा तो क्या करेगा, तो मैं अपने एस्ट्रोलॉजर्स की एस्ट्रोलॉजी के बुक को क्या कर दूंगा, फाड़ दूंगा, ये कौन कहता है, एस्ट्रोलॉजर कहता है, और उसमें आग भी लगा दूंगा, उनको जला भी दूंगा, और तू क्या करेगा, और मैं अपने टफ्ट को भी कटवा लूंगा, टफ्ट जो होता है ये तीक होता है, चोटी होती है, वो ब्राह्मणों की जो चोटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टफ्ट बोलते हैं, और ब्राह्मणों की बुद्धि किसमें समझी जाती है, केवल टफ्ट में यानी टीक में ही समझी जाती है, और फिर तू क्या करेगा, और फिर मैं क्या बन जाऊंगा, इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। नाउ इन दिस वे ही इज गोइंग टू गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमर एंड द आयरनी, एंड दिस चैप्टर इज ऑल्सो अ सैटिरिकल चैप्टर, ये भी एक क्या है, सैटिरिकल चैप्टर है। कल्कि हैज रिटन ओनली सटायर, उन्होंने सटायर ही लिखा है, और उसके बाद वो नाउ नाउ द किंगडम बैंड द टाइगर्स हंटिंग, किंगडम ने क्या कर दिया, प्रतिबंध, पुरम के किंगडम में अब कोई टाइगर नहीं मार सकता था, अगर कोई टाइगर मारा तो उसको क्या किया जाएगा कि द होल
द होल वेल्थ एंड द मनी विल बी कॉन्फिस्केटेड. कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है सीज कर लेना, जब्त कर लेना, पूरा का पूरा उनका वेल्थ और वो क्या कर धन क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, और प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली जाएगी. अगर कोई टाइगर के ऊपर क्या किया, पत्थर भी उठा करके फेंका, छोटा सा पत्थर, इसका मतलब टाइगर क्या हो सकता है, पत्थर से भी मर सकता है. देखिए मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा मिसेस पैकलटाइट्स टाइगर, उसको गोली नहीं लगती है, टाइगर को गोली नहीं लगती है, बल्कि बकरे को गोली लग जाती है. और वो क्या है, गोली की आवाज सुन करके ही वो क्या हो जाता है, टाइगर मर जाता है. इसका मतलब वो हार्ट पेशेंट वगैरह होगा. एंड देन इसका मतलब कि अगर वो कोई पत्थर उठा करके फेंकेंगे तो भी क्या हो सकता था, टाइगर मर सकता था. आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, ये रीडर्स के लिए बोल रहा है कि आपको कल की बोलता है कि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि टाइगर किंग को, जंग बहादुर को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि वो इस तरीके के बीस्ट को मार रहा था. कभी कभी वो क्या हो जाती थी, गोली मिस हो जाती थी और दोनों के बीच में बेयर हैंड फाइट होता था, मतलब द्वंद हुआ करता था, युद्ध हुआ करता था. लेकिन हर टाइम कौन जीतता था, महाराज ही जीतते थे. और नेक्स्ट टाइम अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड हिज किंगडम प्रतिबंधपुरम. एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर क्या करता है, उसको किंगडम को विजिट करता है, यानी प्रतिबंधपुरम को विजिट करता है. एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी मच फॉन्ड ऑफ, वो क्या करता था, बहुत ज़्यादा रुचि लेता था किसके लिए, टाइगर को मारने के लिए. एंड थ्रू द सेक्रेटरी ही सेंट द मैसेज टू दीवान, कि दीवान के पास मैसेज भेजता है कि मैं वहां पर आकर के, यानी ब्रिटिश ऑफिसर क्या करना चाहता है, टाइगर को मारना चाहता है. लेकिन जैसे ही टाइगर किंग ने सुना, यानी जंग बहादुर ने सुना, तो उन्होंने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, मना कर दिया. लेकिन उन्होंने कहा कि फिर से ब्रिटिश ऑफिसर, यानी दुरई को क्या बोला गया है, ब्रिटिश ऑफिसर बोला गया है. दुरई ने चाहा, ब्रिटिश ऑफिसर ने सेक्रेटरी से बोला कि एक्चुअल किलिंग विल बी डन बाय द महाराजा, महाराजा के द्वारा एक्चुअल किलिंग के लिए जाई गई. लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, उसके डेड बॉडी के ऊपर गन रख करके और पैर रख करके क्या करना चाहता हूँ, फोटो खिंचवाना चाहता हूँ. बिकॉज ही वॉज ओनली फोन ऑफ द फोटोग्राफी, वो क्या थे, फोन थे उनका, क्या किया जा सके, फोटो खिंचवा करके लगाया जा सके, उनके महल में लगवाया जा सके. लेकिन उसके लिए भी मना कर दिया उन्होंने. उन्होंने कहा, यानी कि जंग बहादुर ने कहा, अगेन आई एम गोइंग टू पुट द ह्यूमर इन दिस लेसन, इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड, द टाइगर किंग सेड दैट ही विल मैनेज द बोर हंटिंग को करवा सकता हूं, और फिर या तो मैं माउस हंटिंग भी करवा सकता हूं, या हम दोनों क्या कर सकते हैं, क्लैपिंग करके इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मच्छर भी मार सकते हैं, लेकिन टाइगर किलिंग क्या है, इम्पॉसिबल है. लेकिन उन्होंने क्या कर दिया था, उसके चाह को, डिजायर को, यानी ब्रिटिश ऑफिसर के डिजायर को फुलफिल करने से मना कर दिया था. तो उन्होंने डेलिब्रेशन रखा. डेलिब्रेशन का मतलब होता है मीटिंग. किसके किसके बीच में मीटिंग हुई, दीवान के और महाराज के बीच में मीटिंग हुई, महाराजा और प्रतिबंधपुरम के बीच में, यानी जंग बहादुर के बीच में मीटिंग हुई. और दुरई ने उनको सजेस्ट किया कि आप अपनी सरकार बचा सकते हो. देखिए सभी आदमी क्या करते हैं, अपने पत्नियों के सामने झुक जाते हैं, तो ऐसा करना चाहिए आपको दुराई सहने के लिए, यानी ब्रिटिश ऑफिसर्स के गुड लेडी के लिए क्या करना चाहिए, प्रेजेंट भेजना चाहिए. तो सम 50 डायमंड रिंग्स अराइव्ड वहां पर, कुछ प्रतिबंधपुरम में 50 डायमंड रिंग्स कहां पहुंचते हैं जो क्या किया गया था, कलकत्ता के बेस्ट ज्वेलर से क्या किया गया था, ऑर्डर किया गया था. और जैसे ही दुरई, उन्होंने सोचा कि पूरा का पूरा, यानी कि जंग बहादुर ने सोचा कि पूरा का पूरा हम लॉट भेज दें, 50 रिंग्स भेज दें, डायमंड रिंग्स भेज दें, कि वो एक या दो चुनेंगी, यानी रिंग्स को चुनेंगी, और बाकी के बाकी चीज़ों को, बाकी रिंग्स को क्या कर देंगी, वापस लौटा देंगे. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. शी केप्ट होल रिंग्स, 50 रिंग्स, पूरा का पूरा उन्होंने रिंग रख लिया. एंड शी रोट ओनली 3 वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर द गिफ्ट, धन्यवाद गिफ्ट के लिए. 2 दिन के अंदर वहां पर ब्रिटिश ज्वेलर से, ब्रिटिश कलकत्ता ज्वेलर से क्या आता है, 3 लाख का
बिल बैठ जाता है, आ जाता है। और लेकिन महाराज खुश थे, जंग जंग बहादुर खुश थे कि मैंने क्या कर लिया, अपना किंगडम बचा लिया। इन दिस वे ही हैड सेव्ड द किंगडम। नाउ देयर्स अ क्वेश्चन कि व्हाई डिड महाराजा जंग जंग बहादुर डबल द टैक्सेस ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रजा के ऊपर क्यों? कुछ बच्चों ने आंसर लिखा था, जब मैं जिस स्कूल में काम करता था कॉपी चेक करने गया था तो उन्होंने लिखा था कि उनको 3 लाख का नुकसान हो गया था, इसलिए वो क्या करना चाहते थे, टैक्स बढ़ा दिए। लेकिन ये एक्चुअल आंसर नहीं है। आफ्टर दैट नाउ इन 10 ईयर्स He was able to kill 70 tigers. वो क्या कर दिए, 70 tigers मार दिए, मतलब प्रतिबंधपुरम के जंगल में 70 tigers मार दिए। और तभी एक unforeseen hurdle आ गया। unforeseen hurdle का मतलब होता है, मतलब जिसके जो बाधा नहीं देखी जा सके उसको वो बाधा आ गई। और वो अब क्या है, टाइगर population प्रतिबंधपुरम के जंगल में extinct हो गया, यानी कि खत्म हो चुका था। और फिर ऐसा लगता था फिर से कलगी इज गोइंग टू पुट द ह्यूमर, फिर से वो क्या करते हैं, ह्यूमर उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं कि इट माइट बी पॉसिबल कि राजा के डर के मारे उन्होंने हराकरी अटेम्प्ट कर ली थी। हराकरी का मतलब होता है सुसाइड अटेम्प्ट कर ली थी डर के मारे, और या तो उन्होंने बर्थ कंट्रोल में बिलीव कर लिया था, यानी हम दो हमारे दो, और या तो वो वहां से जंगल छोड़कर के भाग गए थे, प्रतिबंधपुरम के जंगल को छोड़कर भाग गए थे। वो ये चाहते थे कि केवल उनकी मृत्यु किससे आए, किसके हाथों से होए, ब्रिटिशर्स के हाथों से होए, इसलिए वो क्या कर चुके हैं, प्रतिबंधपुरम के जंगल को छोड़ चुके हैं। तभी दीवान को किसने बुलाया, जंग जंग बहादुर ने बुलाया। जब जंग जंग बहादुर ने वो दीवान को बुलाया, ही वॉज ब्रैंडिशिंग हिज गन, वो अपने गन को क्या कर रहे थे, ब्रैंडिशिंग कर रहे थे, चमका रहे थे। और उसके बाद उन्होंने पूछा, हियर अगेन इट्स अ ह्यूमर, फिर से वो ह्यूमर उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन, कल्कि, कि आर यू नॉट अवेयर, क्या तुम्हें अभी भी जानना बाकी कि अभी भी इस गन के द्वारा 30 टाइगर्स बाकी रह गए, मारे जाना बाकी रह गए। तो उन्होंने बोला, दीवान ने बोला, महाराज आई एम नॉट अ टाइगर, महाराज मैं तो टाइगर नहीं हूं। हु हैड सेड यू, किसने कहा कि तुम टाइगर हो? आई ओनली वॉन्ट टू टॉक अबाउट द गन। महाराज आई एम ऑल्सो नॉट अ गन, मैं तो एक बंदूक भी नहीं हूं। अरे बेवकूफ, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मैं शादी करना चाहता। महाराज आई हैव ऑलरेडी 2 वाइव्स, मेरे ऑलरेडी क्या है, ये किसने बोला, दीवान ने बोला कि महाराज मेरे पास ऑलरेडी 2 वाइफ्स हैं, अगर मैं आपसे शादी कर लूंगा तो वो क्या जमाना क्या कहेगा। तो राजा क्या हो गए, महाराजा हंस पड़े उसके इस बेतु का आंसर से, क्या हुए, हंस पड़े, और वो ठहाका मार करके हंसते। लेकिन वो कहते हैं, हे बेवकूफ, कि मैं क्या करना चाहता हूँ, सबसे पहले ये दिखवाना चाहता हूँ कि आसपास के किंगडम में कोई सुंदर सी प्रिंसेस है कि नहीं है, राजकुमारी है कि नहीं, और जिस किंगडम के जंगल में बहुत सारे टाइगर होंगे उसी किंगडम के राजकुमारी से मैं क्या करूँगा, शादी करूँगा। द मैरिज टुक प्लेस, मैरिज भी क्या हो गया, हो चुका था, किसका है, जंग जंग बहादुर का मैरिज भी हो चुका था। और जब देखिए, ससुराल को गेंदा तो फूल बोला ही जाता है, लेकिन ससुराल में सभी लोगों का क्या किया जाता है, आदर सम्मान किया जाता है। नाउ हियर व्हाट इट सेज, जब भी वो प्रतिबंधपुरम छोड़ करके जंग जंग बहादुर जाया करते थे, तो वो क्या करते थे, फादर इन लॉ के किंगडम में, किंगडम के जंगलों में वो क्या करते थे, एटलीस्ट 5 और 6 टाइगर मार करके आ जाते थे। एंड नाउ इन दिस वे ही वॉज एबल टू किल 29 टाइगर्स। नाउ द डेटा रीज्ड टू 99, ओनली 1 टाइगर इज गोइंग टू बी लेफ्ट, केवल एक ही टाइगर अब क्या है, मारना बाकी रह गया था। जब वो क्या होते हैं, एक ही टाइगर बच गया मारने के लिए, तो उनका एंग्जाइटी, उनका एंग्शियसनेस बहुत ज्यादा फीवर पिच पर पहुंच जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है यार। और उसके बाद
लेकिन यहाँ पर अब क्या है, फिर से एक अनफॉर्चुनेट हर्डल आ गया। वहां में उनके फादर इन लॉ के किंगडम में भी क्या हो गए, टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए। लेकिन ये सौवा टाइगर कहाँ मिलेगा? अब वो रात दिन वो सोचा करते थे, कौन सोचा करता था, जंग जंग बहादुर सोचा करते थे कि ये सौवा टाइगर कहाँ मिलेगा। इट वॉज पॉसिबल टू फाइंड द टाइगर मिल्क बट नॉट अ लाइफ टाइगर। नाउ दिस इज अ हाइपरबोले। ये क्या है, हाइपरबोले हैं, मतलब हाइपरबोले का मतलब होता है एग्जेगरेशन है, अतिशयोक्ति है, जिस चीजों जिसको हम बात को बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोले बोलते हैं। तो देखिए, टाइगर के तो बच्चे नहीं होते हैं, टाइगर्स के बच्चे होते हैं, है ना। तो मतलब टाइगर कैसे बच्चे को बिगेट कर सकता है। एंड इट ऑल्सो माइट बी पॉसिबल दैट कि अब टाइगर क्या हो गए थे, दोनों राज्यों में खत्म हो चुके थे, इसलिए क्या है, अब कुछ भी नहीं रह गया था। एंड देन व्हाट ही सेज नाउ, उन्होंने मैसेज भिजवाया आस पड़ोस में, मैसेज भिजवाया आस पड़ोस के किंगडम में, मैसेज भिजवाया अपने राज्य में भी, मैसेज भिजवाया कि कोई भी अगर टाइगर को फाइंड आउट कर लेगा तो मैं बहुत सारी क्या करूंगा, प्रॉपर्टी दे दूंगा, या तो मैं इनके ऊपर से टैक्सेस खत्म कर दूंगा। तभी क्या होता है, हिल साइड पर क्या होने लगते हैं, लैम्स गायब होने लगते हैं, यानी मेमने गायब होने लगते हैं। एंड देन व्हाट ही सेज द विलेजर्स थॉट, विलेजर्स ने सोचा कि ये तो कहीं काम तो नहीं है किसका, या तो खादर मियां का काम होगा या वीरा स्वामी नायकर का काम होगा। लेकिन जब उन्होंने सुनिश्चित कर लिया कि उन्होंने टाइगर सॉरी शीप मार करके नहीं खाए हैं, तो वो जाते हैं ब्रिटिश सॉरी उसके पास, किसके पास, जंग जंग बहादुर के पास जाते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आस पड़ोस में हमारे हिल साइड में क्या है, ये शीप गायब होने लगे हैं, भेड़ें गायब होने लगी हैं, इट माइट बी पॉसिबल द टाइगर इज एट वर्क। और जैसे ही उन्होंने न्यूज़ सुना कि ये क्या है, टाइगर्स सॉरी शीप को मार रहे हैं, मार करके खा जा रहे हैं, तो तुरंत उन्होंने क्या कर दिया, 2 या 3 साल के लिए उनके ऊपर से टैक्सेस को हटा लिया, यानी विलेजर्स के ऊपर टैक्सेस। लेकिन वहां पर तो ऐसा लग रहा था टाइगर क्या कर रहे हैं, फ्लाउट कर रहे हैं, उनके साथ हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हैं। पूरी जगह जंगल को ढूंढ लिया गया, पूरा हिल साइड को ढूंढ लिया गया, लेकिन वहां पर टाइगर नहीं मिला। और फिर उनके क्रोध की वजह से जब वो क्या हो जाते थे, उनकी परम काष्ठा पर एंगर पहुंच जाता था, गुस्सा आ जाता था, तो बहुत सारे ब्रिटिश सॉरी बहुत सारे ऑफिसर्स अपना जॉब खो देते हैं और सोल्जर्स जॉब खो देते हैं। तभी एक दिन उन्होंने दीवान को बुलाया, किसने बुलाया, जंग जंग बहादुर ने दीवान को बुलाया। एंड व्हाट इज इट कि ये क्या है ना, व्हाट आप इनके ऊपर 3 साल के लिए क्या करो, टैक्स को डबल कर दो, विलेजर्स के ऊपर 3 साल के लिए टैक्स को डबल कर दो। महाराज, अगर हम डबल टैक्स करते हैं तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी क्या हो चुकी है, बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है, ये किंगडम भी किसके हाथों में चला जाएगा, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के हाथों में चला जाएगा। तो अच्छा ये है, तो यू मस्ट रिजाइन फ्रॉम योर जॉब, तुम्हें क्या कर देना चाहिए, अपने जॉब से रिजाइन करना। लेकिन दीवान बहुत ही अनमने बन से जाता है और वो देखता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। तभी वो क्या करता है, अपने जब वो घर में जाता है तो घर में एक टाइगर को पाता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर सौवा टाइगर नहीं मिला तो जंग जंग बहादुर क्या करेंगे, उसको मार देंगे या उसको नौकरी से निकाल देंगे, किसको, दीवान को। इसलिए पीपल्स पार्क्स यानी जो चिड़ियाघर से किया गया था, मद्रास के चिड़ियाघर का नाम पीपल्स पार्क था, वहां से एक टाइगर को बुलवाया गया था और उसके बाद उन्होंने घर में छुपा करके रख रखा था। जैसे ही क्या होता है, थोड़ी सी नाइट होती है तो दीवान और उसकी वाइफ दोनों क्या करते हैं, वो टाइगर को कार में ले जा करके पुश करते हैं, धक्का दे करके बैठाते हैं और दीवान खुद कार को ड्राइव करके ले करके जाता है और वहां पर टाइगर को छोड़ने की कोशिश करता है। एट दिस टाइम सत्याग्रह वॉज लॉन्च्ड बाय टाइगर, सत्याग्रह छेड़ दिया, मैं तो नहीं उतरूंगा, तुम कुछ भी कर लो। नाउ हियर
बच अब पूरा का पूरा वो क्या हो चुका था, दीवान एग्जॉस्ट हो चुका था, थक चुका था वहां पर टाइगर कार से टाइगर को खींचने के लिए, और फिर वहीं पर टाइगर को छोड़ करके वो क्या हो गया, चला गया जहां पर महाराजा क्या कर रहे थे, शिकार कर रहे थे। महाराजा का नाम क्या था, जंग जंग बहादुर था, अभी भी टाइगर किंग रिवील नहीं हुआ है। और तब वो क्या होता है कि जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग वो सेम टाइगर को वहां पर पाते हैं, जो वो क्या करता है, वो होता है लीन एंड थिन, दुबला पतला होता है, और उसके वो टहलते हुए देखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और फिर अपने एक सैनिक से क्या करते हैं, गन मांगते हैं और गन निशाना लगा करके उसको क्या कर देते हैं, शूट कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब टाइगर टाइगर क्या हो गया, मर चुका था। अब उन्होंने जब उन्होंने बोला कि इसको क्या करो, ग्रैंड सेरेमनी के साथ लेकर के आओ कैरकास को। कैरकास का मतलब होता है डेड बॉडी, यानी टाइगर के डेड बॉडी को ग्रैंड सेरेमनी के साथ ढोल नगारों के साथ लेकर के आओ, कहाँ पर, प्रतिबंधपुरम राज्य में, और उसके टुम पर लिखवा देना, किसकी याद में, 100 टाइगर की याद में। लेकिन वो सोल्जर्स ने सोचा, जो हंटर्स वगैरह थे, उन्होंने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए और महाराजा को इन्फॉर्म करना चाहिए कि ये अभी भी टाइगर नहीं मरा है। वो क्या करते हैं, जब वहां पर जा करके देखते हैं तो वो अपने आंखों को गोल गोल घुमा करके वो क्या कर रहा था, उनको देख रहा था, तो इसका मतलब टाइगर नहीं मरा है, टाइगर अभी जिंदा है। आफ्टर दैट उन्होंने सोचा कि हम क्या करें, महाराजा को इन्फॉर्म करें। फिर से उन्होंने डर गए, सिंस दे आर वेरी मच अफ्रेड ऑफ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि हम ही क्यों नहीं टाइगर को मार दें। वन ऑफ देम टुक द एम, वो क्या करते हैं, एम को लेता है, लक्ष्य को लेता है, और ही शॉट द टाइगर, वो क्या कर देता है, टाइगर को गोली मार देता है, और दिस टाइम द टाइगर वॉज टाइगर डाइड, वो क्या हो जाता है, टाइगर मर जाता है, और पूरे ढोल नगारों के साथ, बैंड बाजा के साथ उसको लिया जाता है प्रतिबंधपुरम राज्य में, और उसके ऊपर लिखवा दिया जाता है, टुम के ऊपर लिखवा दिया जाता है कि 100 टाइगर की याद में जो महाराजा ने मारा था। अब क्या है, बच्चा उनका 3 साल का हो गया था, और 3 साल तक उन्होंने अपने बच्चे का जन्मदिन नहीं मनाया था, इसलिए वो जाते हैं वहाँ। महाराज अभी तक अपने बच्चे के साथ एंजॉय नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब मेरे पास क्या है, स्पेयर टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है, तो मैं क्या करूँगा, बच्चे की अच्छी देखभाल करूँगा, और जब उसका बर्थडे आता है तो वो क्या करना चाहते थे, कुछ अच्छा गिफ्ट देना चाहते थे उसको, ही वॉन्टेड टू गिव हिम समथिंग स्पेशल। वो प्रतिबंधपुरम के राजा कुछ स्पेशल क्या करना चाहते थे, गिफ्ट देना चाहते थे। एंड देन ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर, वो शॉपिंग सेंटर पे जाते हैं और हर दुकान को देखते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी उनके लायक नहीं था, यानी कि प्रिंस के लिए लायक, प्रिंस का लायक नहीं था, एंड दैट्स व्हाई ही वाज वेरी मच डिप्रेस, वो क्या हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। और तभी क्या होती है, उनकी नज़र पड़ती है एक वुडन टाइगर पर, यानी लकड़ी के टाइगर पर पड़ती है नज़र। तो उन्होंने पूछा, महाराजा ने पूछा, जंग जंग बहादुर ने पूछा, इसकी क्या कीमत है। उसने सोचा कि उसका एक्चुअल कीमत क्या था, एक्चुअल प्राइस क्या था, 2 and 2 1/4 आना था। लेकिन उसने सोचा अगर मैं इतना छोटा अमाउंट मांगूंगा तो वो क्या करेगा, इमरजेंसी के अंदर किंग क्या करेगा, मेरे को गोली मार देगा। तो उसने ही रेज द प्राइस, और उस प्राइस को रेज करता है, और वो क्या कहता है, इट इज द रेयर आर्ट, ये क्या है, कला का अद्भुत नमूना है, इसलिए द प्राइस ऑफ द वुडन टाइगर इज ₹300, 300 रुपया है। नाउ हियर तो लेट्स अ गिफ्ट फ्रॉम योर साइड, ये क्या होगा, आपके साइड से हमारे लिए गिफ्ट होगा, किसके लिए, प्रिंस के लिए गिफ्ट होगा। एंड देन ही टुक, महाराजा टुक द वुडन टाइगर इन फ्री लेकर के चले जाते हैं, फ्री में ही लेकर के चले जाते हैं, और वो पूरा का पूरा दिन क्या करते हैं, उस टाइगर के साथ खेलते हैं। टाइगर कौन से टाइगर के साथ, वुडन टाइगर के साथ खेलते हैं,
और क्योंकि ये अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा वो क्या किया गया था, कार्व किया गया था, जिसकी वजह से वहां पर स्लीवर्स निकल रहे थे। स्लीवर्स का मतलब होता है यानी नेल्स, कांटे वगैरह, यानी फांस निकल रही थी। तो उनके हाथ में क्या है, एक फिंगर में, दाहिने हाथ के फिंगर में क्या हो जाता है, उन्हों एक फांस चुभ जाता है। लेकिन वो बाएं हाथ से वो क्या करते हैं, उस स्लीवर्स को निकालते हैं यानी नेल्स को निकालते हैं, और फिर से वो कंटिन्यू रखते हैं गेम खेलना, किसके साथ, अपने बच्चे के साथ। लेकिन तभी क्या होता है कि हियर नेक्स्ट डे इट टुक द फॉर्म ऑफ वुंज, वो क्या हो जाता है, घाव हो जाता है, और वहाँ फिर उसमें पस भर जाता है, मवाद भर जाते हैं, और बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत क्या हो जाती है, सीरियस हो जाती है। तो द थ्री सर्जन्स वर कॉल्ड फ्रॉम मद्रास, मद्रास से तीन डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। एंड नाउ आफ्टर सीइंग द कंडीशन, आफ्टर वॉचिंग द कंडीशन ऑफ महाराजा, दे डिसाइडेड दैट दे मस्ट हैव टू ऑपरेट द किंग, उनको क्या करना पड़ेगा, किंग का ऑपरेट करना पड़ेगा, किंग का ऑपरेशन करना पड़ेगा। एंड देन दे टुक द किंग इन ऑपरेशन थिएटर, वो ऑपरेशन थिएटर में लेकर के किंग को जाते हैं, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद आते हैं, और what they said that it's a paradox, the three doctors took him to the operation theater, वो operation theater में लेकर के जाते हैं, and they performed the operation, उन्होंने क्या किया, उसका operation भी किया। after some time they came out of the operation theater, यानी तीनों डॉक्टर operation theater से बाहर निकलते हैं, and what they said that the operation is successful, the king is dead, operation क्या रहा, successful रहा, ये king क्या हो चुका है, मर चुका है, king has died, the king has passed away, king क्या हो चुका है, मर चुका है। in this way the 100 tiger came in the form of the wooden tiger के form में आता है, and then it took its revenge, वो अपना बदला ले जाता है। देखिए एस्ट्रोलॉजर ने ये बोला था कि 100 टाइगर से सावधान रहिएगा, जब वो 100 टाइगर को मारता है तो वो क्या है, बुलेट की आवाज़ सुन करके ही वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है, और उसके साथ जो हंटर्स गए थे उन्होंने ये सोचा कि महाराज को अगर हम इन्फॉर्म करेंगे तो वो क्या करेगा, हम लोगों को मार देगा, चुन चुन के मार देगा, और उसके बाद उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया था कि सोमा टाइगर मरा है कि नहीं मरा है। इसका मतलब सोमा टाइगर किसके फॉर्म में आया, वुडन टाइगर के फॉर्म में आया, और फिर वो क्या करता है, अपने रिवेंज को ले लेता है, अपने बदले को ले लेता है। उसने ये नहीं कहा था एस्ट्रोलॉजर ने कि ये लाइव टाइगर होगा या वुडन टाइगर होगा। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर द टाइगर किंग। नाउ हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज, you may kill even a cow in self-defense, what did this old saying mean to the tiger king? Now the answer is that the cow is a sacred animal. Cow kya hai, ek pavitra animal hai, गाय हमारी माता समझी जाती है, और गाय जब क्या हो जाती है, बहुत हिंसक हो जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सेल्फ डिफेंस में मार सकते हैं। लेकिन महाराज क्या है, खाऊ को नहीं मार रहे थे, गाय को नहीं मार रहे थे, बल्कि वो सेल्फ डिफेंस में टाइगर को मार रहे थे, जो क्या समझा जाता है, एक बीस्ट समझा जाता है, एक खूंखार एनिमल समझा जाता है, इसलिए वो कोई पाप नहीं कर रहे थे। हियर द सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डिड द टाइगर किंग फील व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर, व्हाई डिड ही सेंड फॉर द एस्ट्रोलॉजर। द टाइगर किंग वॉज वेरी हैप्पी, टाइगर किंग क्या हो गए, बहुत ज्यादा खुश हो गए, और उनको परम आनंद की अनुभूति प्राप्त हो गई, एक्लेजियास्टिकल जॉय की अनुभूति हो गई, जब उन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइगर को मार दिया, और तब उन्होंने रॉयल एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, यानी भविष्यवक्ता को बुलाया, और वो उसको दिखाते हैं, रॉयल एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं कि देख मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट टाइगर को मार दिया। लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, और भी ज्यादा अधिक टाइगर मारने पड़ेंगे, अगर क्या है, आप इस शाप से, इस कर्ज से मुक्ति चाहते हैं। नाउ हियर व्हाट वाज द टाइगर किंग, सॉरी हु वाज द टाइगर किंग, व्हाई डिड ही गेट दिस नेम। द टाइगर किंग
was the king of Pratibandhapuram and his name was Sir Jilani Jang Jang Bahadur. Uska naam kya tha? Jilani Jang Jang Bahadur tha. And here the second question is, in this one, why did he get this name? Because he had killed, उसने टाइगर्स मारे थे, 99 टाइगर्स मारे थे, इसलिए उसका नाम क्या कर दिया गया? टाइगर किंग रख दिया गया. Now here, how did the tiger king feel when he killed the first tiger? Why did he send for the astrologer? The tiger king was thrilled beyond measure. वो क्या करता है? बहुत ज्यादा thrilled होता है जब वो क्या करता है? First tiger मारता है. When he killed the first tiger, he sent for the astrologer. वो astrologer के बुलावा भेजता है. Send for का मतलब होता है बुलावा भेजना, ताकि वो क्या कर सके? Dead tiger के dead body को दिखा सके, dead carcass को दिखा सके. और वो कहता है कि मैं क्या करूँगा? और भी ज़्यादा tiger मार सकता हूँ. And so it means the Tiger King sent for the royal astrologer. The next fifth question is, why did the Tiger King decide to marry a girl for a girl of a royal family of a state with large number of tiger of a tiger population? Now the answer is that in the kingdom of Pratibandhapuram, in the jungle of the Pratibandhapuram, the tigers became extinct. Tiger क्या हो चुके थे? खत्म हो चुके थे. इसलिए वो चाहता था कि जिस nearby kingdom में क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, tigers हैं, और उसमें एक princess भी है, राजकुमारी भी है, तो मैं उसी kingdom में क्या करूंगा? शादी करूंगा. ये किससे कहा? उसने दीवान से कहा. किसने दीवान से कहा? टाइगर किंग ने कहा, यानी जिलानी जंग जंग बहादुर ने कहा. टाइगर किसे? दीवान से कहा. टू अरेंज हिज मैरिज, ताकि वो क्या कर सके? उसकी शादी करवा सके. इन द रॉयल किंगडम, एक रॉयल किंगडम में शादी करवा सके, एक रॉयल किंगडम के प्रिंसेस से शादी करवा सके, जिसमें बहुत ज्यादा क्या हुए हैं? टाइगर हैं. थैंक यू वेरी मच.